और फिर से बारिश तेज हो रही है। पीछे देखो पहाड़ है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी आज थोड़ा सा लेट में उठा और थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था, तो अभी मैं सुबह सुबह उठा उसके बाद ब्लॉग बना अभी मैं सुबह सुबह उठा उसके बाद ब्लॉग अभी मैं सुबह सुबह उठा उसके बाद ब्लॉग बनाना चालू किया। तो आज है सोमवार, आज पहला सावन सोमवार है, तो आप सभी को फर्स्ट सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं अपने रूम के अंदर में हूँ, यह है हमारा रूम कुछ इस प्रकार से है, और ये है योगिता। हाय फ्रेंड्स। और निकेल है, नहीं नंदा, तेरे है नंदा। ओह हाय नंदा। और उधर से आ रही है रांगी लौठी पकड़ कर। ये है का नाम है तो ना पता, नालंदा। नालंदा तोर पापा के नाम। पढ़ने जाता देती हूँ, पढ़ने जाती है। कहाँ कहाँ जाती है पढ़ने? स्कूल। स्कूल? तोर तो नाम नहीं है स्कूल में। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। आंगनबाड़ी जाता तोर बर्थडे बनाया है, राज बर्थडे थी तोर। चल तो इसे कह तो, इति देख हाय दोस्तों का तो। हाय दोस्तों। हाय फ्रेंड्स का तो। का कहाँ लुका आता था तुम्हें? ये है हमारा रूम पूरा। ये हमारा आईना, इसमें हम लोग देख कर कंघी करते हैं, लेकिन अभी पूरा मूड खराब है थोड़ा आज, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था, मैं सो रहा था अभी। और ये है नीरा, नीरा जो आंखों से थोड़ा सा देख नहीं सकती, हल्का सा दिखाई देता है, पूरा दोनों आंखें जो है बंद है। दिखते रहे थोड़ा थोड़ा, हल्का सा दिखता है, ऐसे ही चल जाते हैं थोड़ा सा, इतना बचपन से ही ऐसी है। और चलिए इधर पहाड़ तरफ चलते हैं। ये है हमारा घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर छोटा सा गार्डन टाइप का बनाया है, गुलाब का फूल अभी मस्त मस्त फ्लावर लगा है इसमें अभी बरसात के टाइम में। और ये है गिलोय, गिलोय के ऊपर रस्सी बांध दिया ना, तो ऊपर चढ़ रहा है ऊपर पूरा। अभी अभी लगाया था 1 महीने पहले, और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा घर। इधर है हमारा रूम, और हमारे पास 2 भैंसा भी है। एक गुम गया था, 1 महीने से घुमा हुआ था, अभी अभी मिला है 1 सप्ताह पहले। और योगिता जा रही स्कूल, स्कूल जाते तो बैग लेके नहीं जाते? दोस्तों मैं अभी हूँ अपने गांव के मंदिर तालाब के पास। इधर है मंदिर, मंदिर तालाब इधर, एंड बहुत दिनों से आया नहीं था इसलिए आज घूमने आ गया। उधर छोटा वाला पहाड़ है, और इधर बस्ती है, और इधर है मंदिर। चलिए चलकर देखते हैं आगे। और मनीष इधर है कुटिया, जहाँ पर भगवान शंकर के लिए भोग लगाया जाता है। क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे हो? हाँ। दोस्तों ये है मनीष दुबे जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। चलिए उधर चलते हैं। दोस्तों यह मंदिर बहुत ही पुराना है, हमारे दादा परदादाओं ने बनवाया था, पता नहीं कितना पुराना है।
आज सावन सोमवार, पहला सावन सोमवार है, तो चलिए चलकर अंदर दर्शन करते हैं। गेट तो बंद है, हाँ खुला है। जय भोलेनाथ। ये छोटा वाला नंदी और पूरा बेल पत्र और फूल से पूरा ढके हुए हैं भोलेनाथ। आज मंदिर के चारों तरफ दिखाते हैं। हमारा खेत भी है यहाँ पर साइड में, मंदिर के किनारे में उधर। चलिए एक राउंड घूम जाते हैं। हेलो दोस्तों, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आज ना दूसरा दिन है, तो आज सुबह से ना बारिश हो रही है लगातार। अभी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, हल्का हल्का बूंदाबांदी, बारीक बारिश हो रही है अभी भी। तो कल मैं वहाँ मंदिर के पास गया था तो किसी वजह से मैं वहाँ का वीडियो, वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा था कल एंड नहीं कर पाया तो आज एंड कर देता हूँ। और फिर से बारिश तेज़ हो रही है तो आप लोगों को दिखा दूँ। अभी मैं छत में हूँ, अपने छत में। इधर ये चारों तरफ का व्यूज़, उधर बस्ती है और हमारा घर है, रोड किनारे में है। यहाँ पर रोड है, दिख रहा होगा उधर। इधर केवल 2-4 घर ही हैं और पीछे देखो पहाड़ है, और इधर भी पहाड़ है छोटा वाला। और बारिश होने के बाद ना प्रकृति और भी सुंदर हो जाती है। आप लोगों को रियर कैमरे से दिखाता हूँ इधर से। ये देखो हमारा खजूर का पेड़, इसमें इस साल बहुत ज़्यादा फल लगा था। और इधर खेत है, हमारे घर के चारों तरफ ना खेत है। और इधर रोड है, उधर 2-4 घर और हैं। बस इस कुछ इस प्रकार से आज बारिश हो रही है ना। दिन भर आज घर से मैं नहीं निकला हूँ। देखो इधर पहाड़ में कितना फॉग, धुआं ही धुआं दिख रहा है पूरा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कि आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबाना है। और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।